Hello students, how are you? All is fine? That's great student. Students, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है द लिसनर्स की एक्सरसाइज बी है और उसका जो टॉपिक है दैट इज एपिथेट. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है एपिथेट क्या होता है? नहीं पता? चलें आज हम इस वीडियो में एपिथेट के बारे में जो है वो कंप्लीट डिटेल्स लेंगे. ठीक है, इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे और बहुत इजीएस्ट वे में इसकी मैं डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करूंगी और इसके एग्जांपल्स भी आपको मैं समझाऊंगी. इसके अलावा जो एक्सरसाइज बी है द लिसनर्स की, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बिना अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 55 पर एक्सरसाइज बी है, उस पर जो टॉपिक है हमारा, क्या मैंने आपको बताया था? यस, एपिथेट. अब एपिथेट्स क्या होते हैं? लाइक अगर हम बात करते हैं कोई भी ऐसा कंपाउंड वर्ड्स, कभी आपने कंपाउंड वर्ड्स के बारे में सुना है? नहीं सुना? चलें, इट्स ओके. लाइक अगर मैं बात करूँ आइसक्रीम, तो आइसक्रीम क्या है? कंपाउंड वर्ड है. अगर मैं बात करूँ ब्लैक बोर्ड, तो ये भी एक कंपाउंड वर्ड है. अगर मैं बात करूँ वाइट बोर्ड, तो वो भी एक कंपाउंड वर्ड है. अब और इसके अलावा कुछ हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं, लाइक दो वर्ड्स का मिक्सचर होता है, उनके सेंटर में एक हाइफन होता है, वो भी कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं. अब कंपाउंड वर्ड्स किस तरह से हैं, उसकी मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ. लाइक वेल नोन है, वेल नोन, वेल लिखते हैं, उसके बाद हम हाइफन और देन नोन लिखते हैं, तो ये हमारे पास हाइफनेटेड वर्ड्स आ गया, कंपाउंड वर्ड. अब बात करते हैं एपिथेट. तो एपिथेट होते हैं लाइक उसमें जितने भी कंपाउंड वर्ड्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन के बारे में. अब नाउन क्या है? लाइक कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, ये सब चीज़ें नाउन होते हैं. किसी भी दुनिया में आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, वो क्या हैं? वो सब नाउन कहलाती हैं, लाइक उनके नाम हैं. और जो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. अब उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम किसी भी चीज़ का नाम जो है, किसी प्लेस को, किसी पर्सन को या कोई ऐसी चीज़, उसको हम जो है याद रखने के लिए अच्छा या बुरा नाम दे देते हैं. तो वो चीज़ जो है, जब उसको अच्छा या बुरा नाम दे देते हैं, तो वो टाइटल कहलाता है, उसको हम जो है निक नेम कहलाता है, या उसका कोई ऐसा नाम, कोई पेट वर्ड रख देते हैं जिससे हमें इजी हो जाए कि उस पर्सन का नाम, उस जगह का नाम जो है ये है, ताकि वो एक, या तो वो एक बहुत ज़्यादा फेम इख्तियार कर लेती हैं, या वो बहुत लोगों के माइंड में जो है वो ईजिली लोग उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो माइंड में अच्छे से जो है वो बस जाती है. एपिथेट के अगर बारे में बात करूँ तो एपिथेट क्या है? एपिथेट्स आर द कंपाउंड वर्ड्स विच डिस्क्राइब अ नाउन. अब जो एपिथेट होते हैं वो क्या करते हैं? वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को. लाइक हम, मैंने आपको जैसे बताया कि हम किसी नाम, कोई भी किसी पर्सन का या जगह का या चीज़ का नाम होता है, तो हम उसको कोई भी लाइक इम्पोर्टेंस देने के लिए या उसको याद रखने के लिए, या मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस तरह से करते हैं कि किसी को किसी बुरे अल्फाज से याद करते हैं, या हम उसको अच्छे वे से अल्फाज में, अच्छे अल्फाज में याद करते हैं. तो अगर हम नाम रख देते हैं तो अच्छा या बुरा, तो वो क्या कहलाता है? वो उसकी वजह से पहचाना जाता है. तो लाइक अगर मैं बात करूँ, मैं कहती हूँ कि ही इज़ गुड फॉर नथिंग, कि वो बिल्कुल जो है वो नलायक है, बेकार इंसान है, तो ये क्या होगा? हम उसको एक लाइक कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत आइडल हो, बहुत बेकार हो, कोई काम ना करता हो, या अगर कोई काम करता हो बिगाड़ता हो, तो हम क्या कहेंगे? ही इज़ गुड फॉर नथिंग. ये हाइफनेटेड वर्ड्स हैं, तो ये क्या होंगे? ये एपिथेट की एक एग्जांपल है. इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि शी इज़ अ कॉपी कैट, तो कॉपी कैट जो है वो भी एक एग्जांपल है किसकी? एपिथेट की. उसके अलावा अगर हम कहते हैं वेल नोन, इट्स अ वेल नोन स्कूल, तो हम इसमें भी एपिथेट यूज़ कर रहे हैं बाय एडिंग वेल नोन. देन अगर हम बात करें विटी रिमार्क्स की, तो विटी और रिमार्क्स, ये दोनों जो वर्ड्स हैं, ये क्या हैं? ये भी एपिथेट की एक एग्जांपल है. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ बहुत इजीएस्ट वे में, तो हम ये कहते हैं ही इज़ द शाइनिंग स्टार इन द स्कूल, तो शाइनिंग स्टार है, वो भी एपिथेट है. इसी तरह से हमने जो है कंपाउंड वर्ड करने, कुछ ओपन होंगे जिनके साथ हाइफन यूज़ नहीं होगा, और कुछ के साथ हाइफन यूज़ होता है, वो कंपाउंड वर्ड, वो एपिथेट कहलाते हैं, जो कि डिस्क्राइब करते हैं किसी पर्सन को, किसी जगह को, या किसी
चीज को। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो हमारी एक्सरसाइज बी है, लेफ्ट साइड पर कुछ वर्ड्स हैं और राइट साइड पर भी हैं, लाइक कॉटेड है, ईडी का यूज हुआ है, कॉटेड कलर्स, डेक्ड एज, एनक्रस्टेड स्टोन एंड वाइट। अब ये सारे वर्ड्स हमारे पास क्या हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, और ये क्या है हमारे पास, डर्ट है, हनी है, ये चीज़ों के नाम हैं। तो ये नाउन है और ये हमारे पास ये एडजेक्टिव्स है। अब हमने इनको लिंक करना है, जब हम इनको लिंक करेंगे तो हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। अब हमें किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए नाउन को इसके बाद लिखना मस्ट है। लाइक अगर हम करें डर्ट है तो डर्ट के साथ हम यूज करेंगे एनक्रस्टेड, यानी कि डर्ट, डर्ट किसको कहते हैं, गंद को, गुबार को, तो हम डर्ट को किसके साथ पेयर में बनाएंगे, एनक्रस्टेड यानी कि डस्ट से भरा हुआ क्या। अब क्या जो है वो हमने नाउन ऐड करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डर्ट एनक्रस्टेड डोर। अब ये डोर क्या है, नाउन है, और हम कहेंगे द रूम हैज अ डर्ट एनक्रस्टेड डोर, डर्ट एनक्रस्टेड दैट इज एन एपिथेट। अब डर्ट और इसके दरमियान में हाइफन है, तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिस्क्राइबिंग अ नाउन। अब हम करेंगे कि डर्ट एनक्रस्टेड डोर, तो ये हमारे पास इस तरह से एपिथेट की एक एग्जाम्पल होगी। इसी तरह से सेकेंड वर्ड दैट इज हनी, अब हनी के साथ जो है मैचेबल वर्ड दैट इज कलर, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हनी कलर्ड। अब इसके साथ हमने एक नाउन ऐड करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे आइज, तो हनी कलर्ड आइज, तो ये हमारे पास नाउन है और ये हमारे पास एपिथेट यानी कि कंपाउंड हाइफनेटेड वर्ड्स हैं। आफ्टर डैट आइस, अब आइस के साथ हम कौन सा वर्ड जो कि मैच करा है, दैट इज स्ट्रून। अब स्ट्रून क्या होता है कि यानी कि आइस स्कैटर्ड, स्ट्रून का मतलब बिखरा होना, तो आइस स्कैटर्ड यहाँ पे हम कर देंगे रोड। आफ्टर डैट ज्यूल, अब ज्यूल क्या कहलाता है, ज्यूल वाइट, अब ज्यूल वाइट यानी कि सफेद मोतियों जैसा क्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीत। अब लीफ के साथ हमने यहाँ पर वर्ड देखिए लीफ है जो कि नाउन है, इसके साथ हमने एडजेक्टिव को ऐड करना है अकॉर्डिंग टू लीफ यानी कि जो कि सूटेबल होगा, तो लीफ के साथ हम यहाँ पर एज करेंगे, लीफ एज्ड यहाँ पर। अब उसके बाद हम ऐड कर देंगे यहाँ क्या, नाउन ऐड कर देंगे जो कि हम सिल लिख देंगे, लीफ एज्ड सिल। फिर उसके बाद हमारे पास होगा शुगर, अब शुगर क्या है हमारे पास, अगेन नाउन है, अब नाउन के साथ हमने यहाँ पर एडजेक्टिव को ऐड करना है, शुगर के साथ सूटेबल वर्ड क्या होगा, दैट इज कॉटेड, तो शुगर कॉटेड। अब शुगर कॉटेड यानी कि जो शुगर से भरी होगी, शुगर के साथ उसकी कवरिंग होगी, वो क्या कहलाएगी, हम लिख देते हैं यहाँ पे फिल, शुगर कॉटेड फिल, गोली टैबलेट। फिर उसके बाद है सन, अब सन के साथ हम क्या यूज करेंगे, सन के साथ यहाँ से जो एडजेक्टिव फाइंड आउट करेंगे जो सूटेबल होगा, दैट इज डेक्ड, सन डेक्ड, सन डेक्ड यानी कि जहाँ से सन एक्सपोज हो सके, सन की जो रोशनी है वो आ सके, तो जहाँ से हम लिखेंगे कि दैट इज सन डेक्ड क्या। अब हमने सन डेक्ड के साथ, इस एपिथेट के साथ, इस कंपाउंड वर्ड के साथ हमने क्या ऐड करना है, नाउन ऐड करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे सन डेक्ड रूम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने इन वर्ड्स को पहले तो मिलाना है, लाइक डर्ट के साथ यहाँ पर फर्स्ट एनक्रस्टेड आ जाएगा, यहाँ मैं लिख दूंगी, फिर हनी के साथ यहाँ सेकंड ऑप्शन सेकंड है, सेकंड के साथ सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, आइस के साथ यहाँ थर्ड हो जाएगा, फिर ज्यूल के साथ वाइट है तो यहाँ फोर्थ, यहाँ भी फोर्थ हो जाएगा, लीफ के साथ एस्ट है यहाँ फाइव, यहाँ भी फाइव, देन शुगर है ये सिक्स्थ वन है और ये भी सिक्स्थ वन है, और देन सेवन यानी सन उसके साथ यहाँ पर ये सेवन। अब मैंने इस तरह से आपने इनको मैच करना है, फिर उसके बाद ऐसे लिखना है लाइक नाउन को किसके साथ करना है, आपने कंपाउंड वर्ड बनाना है एडजेक्टिव के साथ, और जब ये कंपाउंड वर्ड बन जाएगा तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है एडिशनल वर्ड्स ऐड करने हैं जो कि नाउन होंगे जो डिस्क्राइब करेंगे। अब हम करते हैं डिस्क्राइब डोर को, तो डोर क्या है, डर्ट एनक्रस्टेड डोर, हनी कलर्ड आइज, आइस स्ट्रोन रोड, ज्यूल वाइट तीत, लीफ एज सिल, शुगर कोटेड पिल,
संदिग्ध रूप, इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ये एक्सरसाइज करनी है। इसकी जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।